पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और हसदेव अरण्य के संरक्षण को लेकर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। SUCI जिला समिति के बैनर तले बुधवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने हसदेव जंगल को बचाने, आवाज उठाते हुए पर्यावरण को बचाए रखने की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल सहित छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पत्र लिखा और साथ ही निवेदन भी किया। इस दौरान उन्होंने पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और हसदेव अरण्य के संरक्षण और बचाए रखे जाने को लेकर अपनी मांगे रखी। साथ ही कहा कि पर्यावरण संवेदनशील नागरिक और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए चिंतित नागरिक आपसे हसदेव अरण्य के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा साथ ही समृद्ध जंगल के संरक्षण की विनम्र अपील करते हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। हसदेव को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। उसमें वन क्षेत्र में इतने सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, तितलियां हैं और आदिवासी रहते हैं, सैकड़ों आदिवासी गांव हैं और इस तरह से जंगलों का विनाश करना पर्यावरण के लिए भी घातक है। तो सिर्फ विकास के नाम पर कुछ योजनाएं लेना और पूंजीपतियों को कोल ब्लॉक देना है, इसके नाम से इतना बड़ा खतरा पूंजीपतियों के हित के लिए कि जंगल ही हम साफ कर दें और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही ना बचे, इस तरह का निर्णय कतई ठीक नहीं है, एकदम गलत है। और इसमें सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोग ही विस्थापित नहीं होंगे, जानवर भी विस्थापित हुए हैं। जैसे ही उन्होंने कटाई शुरू की, हाथी वहाँ से निकल कर भागे हैं, मानव हाथी का संघर्ष हो रहा है, हाथी को खाना नहीं मिल रहा है और हाथी के पैर के नीचे कुचल कर आम आदमी मारे जा रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति को रोकना है तो जंगलों को बचाना है, जंगलों के विनाश से रोकना है, ये हमारा कहना है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हसदेव जंगल की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य वजह है अडानी को फायदा पहुंचाना। ये जो भाजपा की सरकार और भाजपा से पहले जो कांग्रेस की सरकार, वो भी तमाम जो सरकार हैं, वो अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए हजारों एकड़ जंगलों को उजाड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग का आज यह धरना प्रदर्शन है। अभी किस तरह कराएगा ये लगातार आंदोलन तो चल रहा है। अभी 7 तारीख को विभिन्न जन संगठनों, संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम संगठनों की तरफ से पैदल यात्रा है कटघोरा क्षेत्र से हसदेव जंगल में। मैं आत्माराम साहू, SUCI कम्युनिस्ट जिला सचिव। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।